वास्तव में सत्संग ही मनुष्य की परम निधि है। सत्संग नित्य हो, करही सदा सत्संग। लाख सावधानी बरतो, घर में कचरा आता ही है। खिड़की द्वार सब ठीक से बंद करके आप कहीं एक महीने के लिए यात्रा करने गए हो, जब वापस लौट कर आते हो तो देखते हो कि घर में फर्श पर धूल जमी हुई, फर्नीचर पर धूल है, झाड़ू लगाना, चीजों को झाड़ना, यह काम आप सबसे पहले करते हैं। अच्छा तो यह है कि हम रोज सफाई करें नियम पूर्वक, और हमारी माताएं यही करती है, सुबह में उठकर पहला काम सफाई का, घर कमरे को साफ करती है, कचरा आंगन में, फिर आंगन को बुहारती है, आंगन की सफाई करती है। उस घर की रोज सफाई करते हैं तो इस घर की भी रोज सफाई आवश्यक है। चाहे लाख संयम बरतें इंद्रियों का, मन का, द्वार खिड़कियां बंद रखें, लेकिन ऐसी बयार चल रही है इस कलिकाल में, कहीं ना कहीं से कचरा भीतर आ ही जाता है। समझदारी इसी में है कि हम रोज सफाई करें, करही सदा सत्संग। प्रातः काल घंटा डेढ़ घंटा सत्कर्म, और उसी के फलस्वरूप परमात्मा कभी प्रसन्न होकर कृपा करते हैं तो संध्या समय में सत्संग प्राप्त होता है। जैसे पूज्य डोंगरे जी महाराज जी कहते थे कि घंटा डेढ़ घंटा प्रातः काल सत्कर्म करो, घंटा डेढ़ घंटा सायंकाल सत्संग करो।